आज के पवित्र दिन में सभी विश्वासियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के पवित्र दिन में हम प्रभु यीशु के दुख और मरण को स्मरण करते हुए गीत गाएंगे, गीत नंबर 47। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के कारण
हम पर दया दृष्टि कर आज हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। दाता और प्रभु, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे दुख को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर हमारे रोग को चढ़ाया और यो हमारे लिए दंड उठाकर परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। हम तेरी विनती करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ज्योतिर्मय कर, जिससे कि हम तेरे दीनहीन रूप से ठोकर ना खाएं, वरन यह विश्वास करें कि तू जो हमारे लिए मर गया वह हमारा धर्म और जीवन है, जिससे तेरे दुख और मृत्यु के द्वारा अंत में सदा काल के लिए सुख और जीवन को प्राप्त करें। आमीन। भले शुक्रवार की घटनाओं पर ध्यान करें। पहला क्रूस वाणी को हम स्मरण करें, लूका 23:34। जब वे उस स्थान पर जो खोपड़ी का लाता है पहुंचे, तब उन्होंने वहां उसको और उन कुकर्मियों को जो एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। लूका 23:36। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा कर कहा, जो तू ख्रीस्त है तो अपने को और हमको बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू ईश्वर से कुछ डरता भी नहीं? तुझ पर तो वैसा ही दंड दिया जाता है।
और हमों पर न्याय की रीति से दिया जाता है, परंतु इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, जब आप अपने राज्य में आए तब मेरी शुद्धि लीजिए। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। क्रूस वाणी जोहना 19:25-27, जोहना 19:25-27। परंतु यीशु की माता और उसकी माता की बहन मरियम, जो क्लियोपा की स्त्री थी, और मरियम मगदालिनी उसके क्रूस के निकट खड़ी थी, यीशु ने अपनी माता और उस शिष्य को जिससे वह प्यार करता था निकट खड़े देख के अपनी माता से कहा, हे नारी, देखिए आपका पुत्र। चौथा क्रूसबानी 27:45-46, 27:45-46। दोपहर से तीसरे पहर लो सारे देश में अंधकार हो गया। तीसरे पहर के निकट यीशु बड़े सब से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने क्यों त्यागा है। पांचवा क्रूस वाणी योहन्ना 19:28, योहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जान के कि अब सब कुछ हो चुका, जिससे धर्म पुस्तक का वचन पूरा हो जाए, इसलिए कहा, मैं प्यासा हूं। छठवीं क्रूस वाणी योहन्ना 19:29, योहन्ना 19:29। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन धरा था, जो सो उन्होंने स्पंज को सिरके में भिगाकर नल पर रख के उसके मुंह में लगाया। तब यीशु ने सिरका लिया था, तब कहा, भूरा हुआ है। सातवीं क्रूस वाणी लूका 23:44, लूका 23:44। सूरज अंधियारा हो गया और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और यीशु ने बड़े सबसे पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। आत्मा हाँ मेरे
यह कह के प्राण त्यागा। परमेश्वर का पवित्र वचन यहां ऐसा मिलता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, क्योंकि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार ना जाना था, तब भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर साथ अपने संसार संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराध का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानव परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, यहां तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे यीशु, ईश्वर के मेमना जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। Yeah.
अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यों कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों के विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। Oh,
परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे यीशु ख्रिस्त विश्वास मुक्तिदाता और प्रभु, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे दुख को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर हमारे रोगों को चढ़ाया और यूं हमारे लिए दंड उठाकर परमेश्वर से मेल मिलाप कराया है। हम तेरी विनती करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ज्योतिर्माय कर, जिससे कि हम तेरे दीनहीन रूप से ठोकर ना खाएं, वरन या विश्वास करें कि तू जो हमारे लिए मर गया वह हमारा धर्म और जीवन है, जिससे तेरे दुख और मृत्यु के द्वारा अंत में सदाकाल के लिए सुख और जीवन को प्राप्त करें। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन दिया गया है, हम पाते हैं जून रच सुसमाचार उसके 19 अध्याय पद 17 से 30 पद तक। जून रच सुसमाचार उसका 19 अध्याय पद 17 से 30 पद तक। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उससे और उसके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लातेनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों ने प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियान ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा हम इसको ना फड़े परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिया और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली, अतः सैनिकों ने ऐसे ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लियोपा की पत्नी मरियम और मरियम मगदली खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपने माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुककर प्राण त्याग दिए। आमीन। ख्रिस्त यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम
2020 के भला शुक्रवार के दिन में हम आए हैं और यह महीना हमारे लिए बहुत ही संकट का महीना है, जिसमें हम लोग प्रभु यीशु मसीह का दुख और मृत्यु के घटनाओं को याद करते हैं और परमेश्वर की महिमा के आते हैं। बीते रविवार पालमारू रविवार में थे, जहां पर हम यीशु का विजय यात्रा का चर्चा सुना और बहुत सारे लोग, बहुत सारे भीड़ के लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा करके ग्रहण किया और स्वागत किया और प्रभु यीशु मसीह विजय यात्रा में यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। आज हम भला शुक्रवार के दिन में पाते हैं और बीते काल प्रभु स्थापना का पर्व था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ पवित्र बियारी का अनुष्ठान किया और अनुष्ठान के बाद प्रभु यीशु मसीह रात को अपने प्रिय शिष्य पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर गेतसमनी को चले जाते हैं। यह इसलिए आवश्यक था कि वह गेतसमनी में और दिनों की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करें, इसलिए कि यह क्रूस का यात्रा, क्रूस मृत्यु के जीवन को वह जानता था कि किस प्रकार का घटना घटेंगे और यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, लोग उसको सताएंगे, लोग उसको निंदा उपहास करेंगे और इसीलिए हम यहाँ पर आज के दिन में मनन करना चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह गेतसमनी बारी में अपने प्रिय तीन शिष्यों के साथ प्रार्थना करते हैं और ऐसा घड़ी आता है कि पिता से प्रार्थना करता है, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टाल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और इस प्रार्थना से हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना व्याकुल थे, प्रभु यीशु मसीह के सामने उस क्रूस मृत्यु का घटना कितना कठिन था उसको समझ सकते हैं। मानवीय जीवन से हम इसको समझना कठिन होते हैं, कठिन लग सकता है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस मृत्यु में जाने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं और अपनी इच्छा नहीं परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पण करते हैं। जैसे प्रार्थना के तुरंत बाद हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती अपने इच्छा को, जो यीशु को पकड़वाने वाला था, यहूदी और रोमी सैनिकों के, यहूदियों के इच्छा के अनुसार यहूदी जाजक और महाजाजक वहां पर उपस्थित थे और उनको पहले ही कहा दिया था, जिसको मैं चुमा करूं उसे पकड़ लेना। और उसे यहूदा इस्करियोती गेतसमनी बारे में प्रभु यीशु मसीह को चुमा देते हैं और रोमी सैनिक और यहूदा के सैनिक लोग तो आते हैं और यीशु को पकड़ लेते हैं और यहीं से प्रभु यीशु मसीह का दुख और तकलीफ आगे बढ़ता है कि किस प्रकार ये आधी रात्रि में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ते हैं और भिन्न भिन्न जगहों में ले जाते हैं और हन्ना कैफा के दरबार में ले जाते हैं, हेरोदेस के राजा के सामने ले जाते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से दोषारोपण कर सके। और जैसे यहूदी लोग समझते थे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना था और इसके लिए यहूदियों के पास कोई उपाय नहीं था, यहूदियों के व्यवस्था में उनको कोई अधिकार नहीं था कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाए, उनके व्यवस्था के अनुसार तो पथरवाह करना था, परंतु प्रभु यीशु मसीह पहले ही उनके जीवन के लिए कैसे दुख मृत्यु में जाएंगे उनको बतला दिया था, सुनाया था, इसलिए लोग जानते थे कि यीशु क्रूस मृत्यु में जाएंगे। और इसलिए प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हन्ना और कैफा के दरबार में उनका न्याय करते हैं और एक उचित दोषारोपण को लगाते हैं कि या तो परमेश्वर का पुत्र
कहलाता है और इसलिए अपने आप को परमेश्वर का निंदा करने वाला के रूप में ये लोग दोष आरोपण करते हैं। दूसरा कि ये अपने आप को राजा समझता है और राजा बतलाता है कि रोमी राज ही उस समय था, उस राज का देशद्रोही के रूप में ये लोग करते हैं। अगर इस देशद्रोही का दोष आरोपण नहीं करते हैं तो पिलातुस के सामने आगे जब जाएंगे तो वो वह दोष आरोपण सही नहीं होगा और इसलिए पिलातुस के पास जाने से पूर्व उनका दोष को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि वह राजद्रोही है, क्योंकि अपने आप को यहूदियों का राजा समझता है, चाहे यहूदियों का राजा बनाना चाहता है और इसलिए इसको अपने सनहदरीन में सुबह 6 बजे बैठते हैं और वहां पर निर्णय लेते हैं कि यीशु अपने आप को यहूदियों का राजा कहते हैं, इसका दोष आरोपण करते हैं अर्थात देशद्रोही का लगाते हैं। यहूदी प्रथम तो यहूदियों का राजा के रूप में कहते हैं और दूसरा देशद्रोही का दोष आरोपण करते हैं कि वह परमेश्वर का पुत्र अपने आप को घोषित करते हैं। इसलिए यहूदियों के व्यवस्था के अनुसार कि ईश्वर निंदा की बातें हैं, इसलिए इस दोष आरोपण से वे यहूदी महाजाजक लोग उसको मार डालना चाहते थे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसके बाद पिलातुस के सामने लाते हैं और पिलातुस उनको कई प्रकार के सवाल जवाब करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, वो शांत होते हैं और कई तरह के बातों से पिलातुस को पता लगता है और जो दोषारोपण है उसका कोई आधार मजबूत नहीं था, इसलिए पिलातुस भी उस यीशु मसीह को छोड़ना चाहता था कि वह यीशु मसीह को क्रूस पर ना चढ़ा करके उसको कोड़े मार के छोड़ देना चाहता था। इस प्रकार की परिस्थिति में पिलातुस को हम लोग देखते हैं जो उस समय फलिस्तीन का राजपाल था, उसके ऊपर ही मृत्यु दंड चाहे क्रूस पर लटकाए जाने का अधिकार था और इसलिए वहां पर यहूदियों के दबाव के कारण यहाँ पिलातुस मृत्यु दंड में सौंप देते हैं। और जब यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार उसको मृत्यु दंड में सौंपते हैं, तब यहूदी धर्मजाजक और जितना भी सेना लोग थे, रोमी सेना भी थे, और उसको पकड़ करके क्रूस मृत्यु की यात्रा में ले जाते हैं अर्थात गलगथा के ऊपर में ले जाने का हम यह जो चर्चा बाइबल में सुना है उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह को लेने का प्रयास किया गया, ले जाते हैं और यीशु को क्रूस पर लटकाए जाने का व्यवस्था करते हैं। और जब हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, उस रास्ते में सेना लोग उसको मारते पीटते हैं और विधि के अनुसार जो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा वह क्रूस को अपने ऊपर लाद के ले जाना था। और जब ले जाते हैं बहुत कठिन भार था, कठिन वजन था, भारी था, उसको प्रभु यीशु मसीह लेकर के आगे बढ़ते हैं और कोड़े मारते हैं, लोग निंदा करते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, कई प्रकार की बातों को करते हैं और इसलिए इससे क्रूस का यात्रा बहुत ही दुखद था, बहुत कठिन था, परंतु परमेश्वर के उद्धार की योजना को प्रभु यीशु मसीह जानते थे, इसलिए निर्दोष मेमना के समान अपने आप को बलि होने के लिए क्रूस मृत्यु में गलगत्ता की ओर आगे बढ़ते हैं। और जब पहुंचता है, जब वह स्थान पहुंचते हैं जैसे हम लोग वचन में सुना है कि यीशु को वहां गुलगुता में पहुंचाते हैं और उसके साथ और भी यहाँ मनुष्य थे जो पापी थे, जो दोषीदार थे, उनको भी यीशु के इधर और उधर जैसा लिखा गया, एक और बाई और एक और दहिनी ओर
वो गढ़ते हैं, चढ़ाते हैं और उसके बीच में यीशु मसीह को वो लटकाते हैं। और जैसे यहाँ पर लिखा था, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया जिसमें लिखा हुआ था कि यीशु नासरी यहूदियों का राजा। इस दोष पत्र पर भी बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था। और यह पत्र इब्रानी, लातेनी और यूनानी में लिखा हुआ था, क्योंकि उस देश में इन तीनों भाषा को उपयोग करते थे और तीनों भाषा को पढ़ लिख सकते थे। इसलिए पढ़ने के लिए, लोगों को समझने के लिए तीनों भाषा में यीशु नासरी यहूदियों का राजा करके लिखा गया था। और यहां पर प्रधान याजकों ने पिलातुस से अर्जी करते हैं कि यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। इसलिए यहां पर यहूदियों की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु जो न्याय में पाए जाते हैं कि जैसा ये लोग दोष देते हैं कि यहूदियों का राजा समझता है, और इसलिए यीशु नासरी यहूदियों का राजा के नाम से यह दोष पत्र उस क्रूस के ऊपर में लटकाया दिए गए। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर हम लोग देखते हैं जब यहां पर यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिए देते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं। उन बातों को ये सात क्रूस बाणी से हम देख सकते हैं, किस प्रकार भला शुक्रवार की घटना को जो हम आराधना में भी गया है उसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि जब यीशु गलगत्था के चोटी पर क्रूस पर लटकाए गए, एक को दाहिन और उसके साथ और दो कुकर्मी डाकू लोग थे, उनको भी एक ओर दाहिनी और एक को दूसरी को बाईं ओर चढ़ाया था। और उनमें से भी हम लोग देख सकते हैं कि एक पश्चातापी डाकू को हम लोग पाते हैं और एक कहता है कि इतना दिन तू अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, आज अपने को और हमें बचा। इस पर दूसरा डाकू कहता है कि नहीं, ये तो निर्दोष है, परंतु हम तो दोषीदार हैं, कुकर्मी है, उसके कारण क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। और इसलिए ये कहता है कि हे प्रभु, जब तू आए तो हमें याद करना। तब यहाँ पर देखते हैं, पहला तो यहाँ पहला क्रूस बाणी में देखते हैं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, हे पिता उन्हें क्षमा कर, वे ना जानते हैं क्या करते हैं। और दूसरा क्रूस बाणी में यहाँ देखते हैं कि जैसा एक पश्चातापी डाकू उसके पास आते हैं, उसके सामने अपने पापों को अंगीकार करते हुए पाते हैं और कहता है, हे यीशु, जब तू इस राज में तू आए तो मेरी शुद्धि लीजिए। और यीशु ने उसी समय कहा, मैं तुझसे कहता हूं आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा। प्यारे भाई बहन, या प्रभु का दूसरा क्रूस वाणी है जिसमें हम सबों के लिए भी आज पछताव करने का समय है। इस क्रूस मृत्यु को आज हम समझें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि करता है, बलिदान करता है, अर्पण करता है। इसलिए प्रभु जो मरा हमारे जीवन के लिए, पूरे जगत के छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए ही क्रूस पर बलिदान होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम पश्चातापी जीवन व्यतीत करें, अपने पापों को समर्पण करें और अपने पापों से लौटें और प्रभु से प्रार्थना करें, हे पिता मुझे क्षमा कर और जब तू आएगा तो हम सबों को ले जा। इसलिए आज इस क्रूस वाणी से हम लोग देख सकते हैं कि सचमुच में हम दीनता के साथ आवें, प्रार्थना के साथ आवें, ताकि हम परमेश्वर का अनुग्रह में हम उसका सुंदर आवाज को पा सकते हैं, आज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा।
प्यारे भाई बहनों, इसके बाद हम लोग देखते हैं उस क्रूस के निकट जीवन हो इस बात को दर्शाता है। और इसलिए हम अकेले नहीं लेकिन एक दूसरे के संगति सहभागिता में बढ़े। और इसलिए आज प्रभु से हम प्रार्थना करें हमारा जीवन भी हमारे पारिवारिक जीवन में एक अच्छा रिश्ता के साथ बढ़ने पाए और एक दूसरे को सहायता करते हुए आगे बढ़ने पाए। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आगे इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा क्रूस वाणी में हम लोग देखते हैं कि एली एली लामा सबक्तानी, जिसको मत्ती रचित सुसमाचार के 27 अध्याय 45 से 46 में देखते हैं। दो पहाड़ से तीसरे पहाड़ लो, सारे देश में अंधकार हो गया। तीसरे पहाड़ के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्यागा है। ख्रिस्त में प्यारे भैरोनिया, दुख भरा जीवन को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए हैं, दुख और कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, कोड़े लगाए गए हैं, कांटों का मुकुट पहनाया गया है और कई प्रकार के हीला और निंदा की बातें हैं जिसको सहने के लिए अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन में होकर के ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं, परमेश्वर हमें त्याग दिया है। आज प्रभु यीशु मसीह को भी हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह आदि आदि और अंत का प्रभु है, राजा है, जिसको हम लोग जानते हैं कि वह आदि से अंत तक प्रभु है, परंतु आज इस क्रूस मृत्यु घड़ी में अपने आप को त्यागा हुआ जन के रूप में प्राप्त करता है, त्यागा हुआ यीशु के रूप में अपने आप को प्राप्त करता है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे पिता, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्यागा है। इसलिए इस चौथी क्रूस वाणी से हम देख सकते हैं कितना भारी पीड़ा, कितना बड़ी तकलीफ उसके जीवन में हम अनुभव करते हैं। प्यारे भाई बहनों, या इसलिए हुआ कि आज हम प्रभु यीशु मसीह को एक निर्दोष व्यक्ति होकर के भी क्रूस मृत्यु में, जो घृणित मृत्यु में चढ़ाया गया है, इसको हम महसूस करते हैं। वह अपना पाप नहीं लेकिन पूरे जगत के लोगों के पापों की मुक्ति के लिए अपने आप को बलिदान करता है, समर्पण करने की आत्मा को हम लोग देख सकते हैं कि वह आज हमारे लिए अपने आप को समर्पण किया है, बलिदान करता है, क्रूस पर चढ़ाया गया है। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 19 का 28 में, जिसको हम लोग सुना है। इसके बाद यीशु ने यह जान कि आप सब कुछ हो चुका है, कि धर्मशास्त्र का धर्म पुस्तक का वचन पूरा हो जाए, इसलिए कहा मैं प्यासा हूं। प्यारे भैर बहनों, मनुष्य जीवन में यह देखते हैं कि कितना बड़ी कठिन और तकलीफ की घड़ी में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर तड़प रहे हैं। और यह घटना जैसा लोग देखते हैं, दिन के 9 बजे से 12 बजे तक 3 घंटे का समय था, जहां पर हम लोग देखते हैं कितना तकलीफ उसको उठाना पड़ा। और 12 बजे से 3 बजे तक फिर प्रभु यीशु मसीह को इस प्रकार के दुख और तकलीफ में करीब करीब 6 घंटे का जीवन क्रूस का दुख मृत्यु में लटकाए हुए बातों को हम लोग देखते हैं, तो अनुभव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार के दुख और तकलीफ में है, कि अपने दुखों को अपने ऊपर उठाने के लिए सचमुच में कितना त्यागा हुआ, कितना शारीरिक थकान में पड़ा हुआ व्यक्ति के रूप में पाता है। जैसे रात बियारी के बाद जब रात को गेतसेमनी में चला जाता है, प्रार्थना करता है, और तब रात भर हन्ना कैफा महाजजों के पास और पिलातुस के पास ले जाते हैं, कई प्रकार की झार के कारण, कई प्रकार के आने जाने कारण शारीरिक थकवास हो गया था, क्योंकि उसको उसके पास नींद नहीं था, उसके पास किसी प्रकार का आहार की बात नहीं थी, परंतु भूखे और प्यासे होकर के आज इस समय हम लोग देखते हैं दिन के 3 बजे तक ऐसा आता है। तो उस क्रूस में चढ़ाए गए प्रभु को आज प्यास महसूस होता है, इसलिए भूखे और प्यासे होकर के यहाँ पर विशेष करके प्यास की बातों को यहाँ जैसे
बार बार में लिखा गया है, धर्म शास्त्र में आया है, या प्यासा हूं ये प्रार्थना करता है। जैसे यहां पर हम लोग वचन में पढ़ा है कि प्रभु यीशु मसीह जब यहां ऐसे अंतिम घड़ी में है कि भूख और प्यास, और विशेष करके प्यास घड़ी में अपने आप को महसूस करता है ताकि वह करे। और इसलिए इस बात को जब लोग सुना, वहां पर यहूदी महाजक और रोमी सेना लोग सुना, तब उसको पानी के बदले में सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पॉन्ज को जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। प्यारे भाइयों ने, बहुत दुख की बात है, सिरके तो एक खट्टा चीज था जिसको पीने लायक नहीं था, उसको उसके जीप में स्पॉन्ज में जूफे में रख करके उसके मुंह पर लगाते हैं। तब यीशु ने यह सिरका लिया और कहा, पूरा हुआ, पूरा हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो उद्धार के कार्य को प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से उच्चारण किया। और हम लोग देखते हैं कि जो क्रूस बलिदान होना था, क्रूस पर बलिदान होना था, उस बलिदान को अपने जीवन से पूरा करते हुए पाते हैं। और इसलिए प्यारे भाई बहनों, या मैं प्यासा हूं, ये क्रूस वाणी आज हम सबों को आह्वान करता है। दुख और तकलीफ में जब आते हैं, कई प्रकार की थकान होते हैं, कष्ट होते हैं, प्यासे हो जाते हैं, और उस समय प्यास बुझाने के लिए जब मांगते हैं तो पानी पीते हैं तो बल आता है। और इसलिए बल पाने के लिए ही यहाँ प्रभु यीशु मसीह प्यासा हूं प्रार्थना किया, और उसके बदले में लोग उन्होंने जो सिरका से भरा हुआ बर्तन धरा था, उसमें उन्होंने स्पंज को सिरके में डुबाए, भिगाए और एक नल पर रख करके उसके मुंह पर लगाया। तब यीशु ने सिरका लिया, तब कहा, पूरा हुआ। प्यारे भाई बहन, उद्धार का कार्य इस सब से पूरा होता है। और आगे देखते हैं, जैसा ऐसा घड़ी आता है, तब अगला घटना को देखते हैं जो छठवां क्रूस बाणी के रूप में हम लोग देखते हैं कि सूरज अंधियारा हो गया, मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। यह भी एक महत्वपूर्ण वाणी है जो प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से उच्चारण किया। प्यारे भाई बहनों, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करता है, अंतिम घड़ी में अपना आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करता है, क्योंकि ये समर्पण किए बिना अपना जीवन का सांस का अंत नहीं होता है। और जब ऐसा समर्पण करता है, सचमुच अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया, और यहां पर जैसा समर्पित करता है अपना प्राण त्याग दिया। प्यारे भाई बहनों, यहां देखते हैं, जैसा प्राण त्याग दिया, तब सूरज का अंधियारा हो गया, मंदिर का पर्दा बीचों बीच फट गया। यीशु बड़े शब्द से पुकार के कहते हैं, अपनी आत्मा तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। सुसमाचार में और भी बातों को पाते हैं, जो यीशु के मृत्यु के समय जो मंदिर यरूशलेम मंदिर में पर्दा था, वह दो भाग में बढ़ जाता है। इससे हम यह पाते हैं, यह दर्शाता है कि हमारे पाप के कारण परमेश्वर का संबंध हमारा टूट गया था। प्रभु यीशु मसीह आज हम सब को मध्यस्थ होकर के मिला लिया है, और आज हम परमेश्वर का पुत्र हो गए हैं, पुत्रियां बन गए हैं, निज संतान हो गए हैं। इसलिए जैसे हम लोग प्रार्थना में प्रार्थना किया कि मेल मिलाप का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। प्यारे भाइयों बहनों, जो संबंध हमसे दूर हो गया था, आज प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने से हम परमेश्वर से मिलाए गए हैं, परमेश्वर के साथ
मिल गए हैं, हमारा दूरी नहीं रहा। आज हम परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां या संतान होने का अधिकार मिला है, और इसलिए यहाँ पर पर्दा फाड़ जाना, दो भाग में हो जाना, आज वह हमारे बीच में दर्शाता है हम प्रभु के साथ परमेश्वर के साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं। आज हमारा जीवन सचमुच में हम परिवार में होकर के परमेश्वर से बात कर सकते हैं। आज के भारत के परिस्थिति में, देश की परिस्थिति में हम सबों को भी समझना होगा कि जब लॉकडाउन हो गया, तालाबंदी हो गया, तो आज हम गिरजाघर में नहीं है, परंतु आज हमारे घर परिवार में रह करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, क्रूस की कथा को स्मरण करते हैं, क्रूस वाणी को मनन ध्यान करते हैं। ये समझना होगा कि सचमुच में आज हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, कोई मध्यस्थता नहीं है, परंतु आज हम प्रभु से सीधे बातें कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और अपने आवश्यकताओं के लिए मांग सकते हैं, आशीषों को मांग सकते हैं। इसलिए आज यह दिन है जो मंदिर का पर्दा टूट जाना, चाहे दो भाग हो जाना, यह दर्शाता है कि हम सीधे संबंध परमेश्वर से कर सकते हैं। दूसरा घटना हम देखते हैं, समाचार में पाते हैं कि कितना मृतक लोग का कब्र फट गया। क्यों हुआ? भुईडोल हुआ। जैसा यीशु क्रूस पर अपना प्राण त्याग देते हैं तो भुईडोल होता है, और उन दिनों तक जो यरूशलेम में कब्र थे सब फट गया, और मृतक कब्रों में से जी उठते हैं, और जी उठने का सबूत भी हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक के मृत्यु से कब्र का द्वार खुल जाते हैं और मृतक जी उठते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु से हम जीवन की बातों को देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में कहा है, मैं सत्य मार्ग और जीवन हूं, और प्रभु यीशु मसीह सत्य को बताने के लिए इस जगत में आया। और इसलिए प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह में जो सत्य है, जीवन है, और मार्ग है, उस बात को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हम मर भी जाएंगे तब जीवित हो जाएंगे, और इससे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में जो सत्य मार्ग और जीवन है उसको बात को देख सकते हैं हम विश्वास के साथ आ सकें। और इसलिए आज हम देखते हैं कि ये घटना जो प्राकृतिक था, इससे प्रमाणित होता है और लोग विश्वास किया कि यह सचमुच में परमेश्वर का प्रिय पुत्र था, कि इसके गलगत्ता में अपने प्राण त्यागने के समय सूरज का अंधियारा चला गया, अंधकार हो गया, मंदिर का पर्दा फट गया, मृतक कब्रों में से जी उठे, और घटनाओं को भी समाचार में प्राप्त करते हैं। इसलिए आज हम पवित्र आराधना में जब यहाँ उपस्थित आते हैं तो आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उद्धार का कार्य को प्रभु यीशु मसीह कलवरी पर, चाहे गलगत्था पर अपना देह को, अपना प्राण को समर्पित किया, अपना शरीर से खून बहाया, उस खून का बहुमूल्य आज हमारे जीवन के लिए सचमुच में आशीष का कारण ठहरा है। हम परमेश्वर से दूर थे, नजदीक हो गए, हम शैतान संसार से अलग थे, चाहे प्रभु यीशु मसीह का आने से हम जानते हैं कि शैतान संसार और मृत्यु से लड़ने के लिए आए, जीत के लिए आया। आज यह बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में शैतान संसार और मृत्यु से विजय प्राप्त किए हैं, आज हमारे लिए सचमुच में आशीष का कारण ठहरा है। और प्रभु यीशु मसीह दया करें कि हमारे जीवन में ये भला शुक्रवार का आशीष मिले, ताकि सारे संसार के लोग इस मृत्यु से जीवन पा सकें, परमेश्वर के नजदीक आ सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज हमारा कर्तव्य है इस सुसमाचार को अपने लिए और दूसरों के लिए, जगत के लिए प्रचार करें, ताकि जगत का उद्धारकर्ता के रूप में जो निर्दोष मेमना के समान बलिदान हुआ, उस बात को, उस घटना को स्मरण करें और प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आप सबों को, हम सबों को अधिकाई से आशीष प्रदान करें, ताकि इसके द्वारा जो पाप क्षमा, जीवन, धर्म और त्राण को कमाया गया है, हमारे लिए, आपके लिए सार्थक हो सके। परमेश्वर हम सबों को अधिकाई से आशीष प्रदान करें। आमीन। इस समय हम लोग
गीत गाएंगे, गीत नंबर 59। हम परमेश्वर के वचन को स्मरण करें। परमेश्वर अपने वचन में हम सबको आश्वासन दिया, जो पाप से अनजान था उसको उसने हमारे लिए पाप बनाया कि उसमें हम ईश्वर के धार्मिकता बने। हम प्रार्थना करें। हे सत्य और दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त को जगत के उद्धार के लिए भेजा और अपनी क्रूस मृत्यु और बलिदान के द्वारा मेल मिलाप की सेवा की और सबों के लिए उद्धार को सुनिश्चित कर दिया। तूने हमें भी इसके लिए बुलाया कि उद्धार की आशीष आनंद को प्राप्त करें। प्रार्थना करते हैं हम सबों को इस आशीष में दृढ़ स्थिर कर और हमारी हर प्रकार की घटियों और कमजोरियों में हमारा सहारा कर। प्रभु
हम यह विनती करते हैं, या दुनिया जब विपरीत परिस्थिति में दुख और तकलीफ में है, एक महामारी कोरोना वायरस के फैलने से हमारे बीच में संकट उत्पन्न हुई, प्रभु ईश्वर हम तेरे हाथ में समर्पित होते हैं, हमारा धरती का जीवन तेरे द्वारा संभाला जाए। हे प्रभु परमेश्वर, हम यह भी धन्यवाद देते हैं अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सत विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बिरा जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस झारखंड प्रांत के गवर्नर, मुख्यमंत्री, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हकीमों, आप सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके ऐसे विपरीत परिस्थिति में वे तेरे द्वारा अगुवाई पा करके प्रभु देश की सेवा करे, राज्य की सेवा करे, जिससे वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करते हम कुशल चाल से सारे भक्ति और गंभीरता से जीवन व्यतीत करें। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसन काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लोथेरान कलीसिया, देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी सच्ची के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे, वे तेरे भय प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दयालुओं के द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम धाम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से शुभम पर दृष्टि कर, जो कंगालपन रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। ऐसी परीक्षा जब हमारे जीवन में आ पड़ी है, प्रभु के देश में रहने वाले हमारे प्रिय विश्वासी को तू संभाल। हम उसके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया करके वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का प्राणी धर और उन पर जो अध्याय में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर, हमको अपश्चतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।